तो नमस्कार स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं सब ठीक होंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम बता दें आपके लिए, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ रही है बिल्स मियर हाक रिएक्शंस। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये जो वीडियो होगी आज की, वो आज की वीडियो होने वाली है एमएससी प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और क्या है बीएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट यानी छात्र हैं उनके लिए होने वाली है। कैसे हो, क्या है? ठीक है, तो देखो ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, और कहाँ यूज होती है ये, और क्या है कि मतलब किस एग्जाम में आती है? तो आप देखोगे कि आपकी जनरली जो मास्टर क्लास के स्टूडेंट हैं यानी एमएससी के बंदे हैं, जो एमएससी के छात्र स्टूडेंट हैं, तो वो क्या होगा, उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर की ये पूछी भाई बहुत बार पूछी गई है। कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं इनकी बहुत ही चहेती बोल सकते हैं ये रिएक्शन रहती है। ठीक है, बहुत ही चहती रिएक्शन सही है, तो ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं वो रिपीट पर रिपीट रिपीट हर साल उनको ये भेजना ही भेजना है। अगर वो न्यूक्लियो क्या बोल सकते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और इस रिएक्शन के बारे में बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप क्या करें, अगर हम आपको क्या है ये जनरली 10 नंबर या जनरली 10 या 8 नंबर में ये रिएक्शन आ जाती है अच्छे से, तो इजीली ये रिएक्शन है ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक आपके ऐसे आ जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बिल्स मियर हाक रिएक्शन। ठीक है, या कैसे दे देंगे वो, कोई रिएक्शंस का रिएक्टेंट दे देंगे आपके लिए और वो कंप्लीट कराएंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन देंगे, फिर आपको कंप्लीट कराने को बोलेंगे कि राइट द सुटेबल मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये कैसे होती है और इसके सबस्टेट क्या हैं, इसकी कंडीशन क्या है, और क्या है कि मतलब और क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, हम ये देखेंगे। पहले मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, उसकी मैकेनिज्म लिखूंगा, ठीक है, और फिर देन 3-4 एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। 3-4 एग्जाम्पल बता दूंगा, एनफ रहेंगे। ठीक है, हाँ, और क्या होगा इनसे क्या होगा, अगर आपने 2 एग्जाम्पल भी लिख के आ रहे हो, 2 एग्जाम्पल मैं आप यहाँ पे बताऊंगा, अगर वो भी लिखे आए आप, तो समझ लो आपके जितने नंबर का क्वेश्चन है एक नंबर नहीं कटने वाला आपका यहाँ से। तो सबसे पहले बस हम यही देखेंगे कि इसकी इसका सब्सट्रेट क्या होता है और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, बिल्स मियर हाक रिएक्शन की क्या है, कैसे क्या है, ये देखेंगे। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार आ चुकी होती है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में तो आती ही आती है इससे रिलेटेड, बट क्या है जो हमारे क्या है जो थ्योरेटिकल या हमारे एम मास्टर्स में होती है और बीएससी में जनरली ये पूछ ली जाती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, उससे पहले क्या करें, आप अपने कॉपी पेन उठाएं और इस रिएक्शन को लिखना चालू कर दें। ठीक है, और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हो, अच्छी बात है, नहीं करें हो तो फिर से कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है। ठीक है, इस रिएक्शन को अकरिंग के लिए तो हम लिख सकते हैं ये कहाँ बात करती है। पहले तो ये देखो पार्ट है किसका, ये है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक का पार्ट है ये सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कौन सा, आपका बिल्स मेयर हाक रिएक्शंस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अगर मान लो उन्होंने बोल दिया कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप ये वाली रिएक्शन लिखे आओ। ठीक है, लिख दोगे तब भी आपको क्या होगा, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे जितने नंबर उसमें पूछे हैं। ये इस टाइप की रिएक्शन होती है, उनमें क्या है आपके एक नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहता। ठीक है, रिएक्शन लिख रहे हैं आप, आपको रिएक्शन आती है तो क्या करेंगे, अगर आप लिखे आओगे, क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं होती, मतलब थ्योरी से बोले तो इसमें हमको ज़्यादा रिटिन वर्क नहीं करना होता है। ठीक है, जब रिटिन वर्क नहीं करना होगा, पॉइंट टू पॉइंट हम दे रहे हैं, तो हमारे नंबर कटने के चांस नहीं बनते, बशर्ते क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म होनी चाहिए, और जो 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप वो पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा आपने। ठीक है,
तो उठाएं कॉपी और लिखें। क्या लिखेंगे सबसे पहले? या इसके लिए सबसे पहले जो होगा वो होगा, देखो हमने देख लिया कि ऐसा अगर हम लिखेंगे तो पॉइंट नंबर वन क्या हो गया हमारा, इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, ये हो गया। पॉइंट नंबर टू आता है हमारा, ओके, ठीक है, इसके लिए जो कंडीशन है ये रिएक्शन कहाँ होगी, तो ये वहां आकर होगी, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटिव सब्स्टिट्यूएंट, मतलब बोले तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे हम, जो कोई रिंग होगी वो रिंग क्या हो, एक्टिवेट हो। एक्टिवेट रिंग क्या हो, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान लो ऐसे कोई समझो, यहाँ पे मैं पूरा पूरा समझा के कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है और वो ग्रुप क्या है, वो इस पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो इस ग्रुप को जो बोलेंगे वो यहाँ पर कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है दोस्तों, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसका मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिंग में प्रोवाइड करेगा और रिंग और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। जब रिंग और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट पर जाके अटैक करने लगेगी, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटिव कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कंपाउंड, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखें आप, ओके सॉरी, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, एक्टिवेटेड रिंग, एक्टिवेट रिंग, रिंग की जो टाइप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्टिवेट, एक्टिवेट या एक्टिव बोल सकते हो, ठीक है, एक्टिव रिंग, ठीक है। और दूसरा सब्सटेंट यानी केमिकल रिक्वायर्ड इसके लिए क्या होंगे, तो सबसे पहले तो हम एक तो यही हो गया, और एक्टिव रिंग में क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं जैसे कोई क्या हो गया आपका, फिनोलिक ईथर हो गया, ठीक है, या क्या हो गया, डाई एल्काइल एमीन हो गई, डाई एल्काइल एमीन हो गई, और इथोर फिनोलिक ईथर हो गया, फिनोलिक ईथर लिख सकते हैं आप इस पर, ठीक है। नंबर वन क्या हो गया, फिनोलिक ईथर, डाई एल्काइल एमीन हो गई, तो यहां पे लिख देते हैं हम डाई एल्काइल एमीन, ठीक है। नंबर पॉइंट नंबर मतलब इसी का पार्ट क्या हो गया, टू हो गया डाई एल्काइल एमीन, ठीक है, आप लिख लीजिए डाई एल काइल, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा दूर पड़ गया है, उधर दिखेगा भी नहीं, हाँ दिखना चाहिए, लिख लो आप डाई एल्काइल, एल्काइल एमीन, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर दो हो गए इसके। अब पॉइंट नंबर तीन क्या हो गया, अब देखो दूसरा क्या होता है इसमें, जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो होता है हमारा डाई एल्काइल फॉर्माइड, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्माइड बोल सकते हो। फॉर्माइड क्या होते हैं जनरली, जो नाइट्रोजन के साथ CHO समूह लगा होता है, CHO ग्रुप लगा दें, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा दें हम, CHO, ये हो गया एमाइड, ठीक है। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा दें और एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा दें, ये क्या कोई आर है आपका, ये भी कोई आर है, आर आप जानते हो, आर क्या होते हैं आपके, कोई भी जनरली एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका डाई एल्काइल एमाइड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड हो गया। और क्या है देखो, इसके साथ में क्या होता है, एक फॉस्फोरिल POCl3, ये होते हैं इसके रिएजेंट, ठीक है। तो हम इन्हीं पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप भी क्या करें मेरी तरह, यहाँ पे नोट आउट कर लिया होगा आपने अच्छे से। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला इन्होंने, मैं पहले एक रिएक्शन बता रहा हूँ, उसी से आप रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेना, ठीक है, और उसके बाद तीन चार आपके लिए एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आप उनकी मैकेनिज्म खुद करके देखिएगा, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम उसी तरीके से जाएगी, बट आपको एक समझा देंगे, उससे क्या होगा, हम आपकी प्रैक्टिस अपने लिए करो, इसलिए हम एग्जाम्पल आपके लिए देंगे, ठीक है। आप उनमें से दो एग्जाम्पल भी अगर अपने एग्जाम में लिख के आ रहे हो, पेपर में लिख दिए, तो समझ लो आपके नंबर कंप्लीट, ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कंडीशन है इसके लिए, ये एक हो गया, ये दो हो गया, और नंबर तीन तो मैंने ये बताया आपको, लो नंबर तीन भी लिख देते हैं अपन,
डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या हो गया, फॉर्माइड, ठीक है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज द टाइप, इट इज ए टाइप ऑफ फॉर्माइलेशन। इसमें क्या होता है, ये हो बोल सकते हैं हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन से, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो है वो रिएक्शन है फॉर्माइलेशन, ठीक है। तो फॉर्माइलेशन अकर्स इन दिस रिएक्शंस। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस में बोलें तो क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या बोलें, देखो एक वर्ड, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद, प्रोडक्ट फॉर्म विद एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें क्या बनता है, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें देखेंगे। अब देखो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे आपको अब रिएक्शन मैकेनिज्म बताता हूँ। आपने ये कॉपी कर लिया होगा, उतार लिया होगा, चलो मैं इसको रफ करता हूँ। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी स्पेस बनाते हैं ताकि हम रिएक्शन को एक बार में कंप्लीट कर सकें, बार बार मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है फ्रेंड। तो बिल्समियर हाक रिएक्शन देखेंगे हम, ये क्या बोलेंगे, बिल्समियर हाक रिएक्शन जो है वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, जिसको हम एक टाइप में पढ़ रहे हैं। उस रिएक्शन का नाम है बिल्समियर हाक रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें के सब्स्टिट्यूएंट देख लिए, इसमें क्या होता है, फॉर्माइलेशन होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में होती है फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब क्या है कि सी एच ओ समूह हमारे, सी एच ओ ग्रुप हमारे, कोई रिंग है जो एक्टिवेटेड, एक्टिवेट रिंग है, उस पर जाके लग जाएगा, ठीक है। और कैसे लगेगा वो देखेंगे। तो मैं इसके सबस्ट्रेट लिखता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, राइट। क्या लिया हमने, कोई एक्टिवेटिव, एक्टिवेट रिंग ले ली। एक्टिवेट रिंग बोले तो जिस पर कोई फिनोलिक ईथर ले रहे हैं अपन, ठीक है। पहले क्या ले रहे हैं हम, फिनोलिक ईथर। फिनोलिक ईथर से बोले तो यहाँ पे देखो फिनोल हो गई, और ये क्या हो गया आपका, मिथाइल। तो ये हो गया फिनोलिक ईथर, ओके। और क्या आपके पास, देखो दूसरा आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्माइड चाहिए आपके लिए, वो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्माइड क्या होता है, देखो यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्माइड होता है आपका, यहाँ पे लिखो ऐसे, पूरा समझ के चलिए आप, ताकि आपको कुछ भी, देखो ये सी एच ओ ग्रुप हो गया, इस पे डाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे मान लो एक एक हिसाब के लिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया, ठीक है। और आर यहाँ पे भी आर लगाएंगे तो इस एक की जगह, मैं ऐसे बताता हूँ आपके लिए, यहाँ पे लगा दिया हमने एम एम ई, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और दूसरा क्या लगा दिया, पी एच, मतलब फिनाइल ग्रुप इस पे जोड़ दिया है। और जब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, आपके मान लो पी ओ सी एल थ्री, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो दो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपके लिए, ओके। एक प्रोडक्ट ये बनेगा आपका ऑर्थो का, और दूसरा बनेगा आपका सेम प्रोडक्ट पैरा का, ठीक है। आप इसे सही से कर लेना, ये बेंजीन है, ये क्या बनेगा, ये सी एच ओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब बस हमको इसकी मैकेनिज्म देखना है कि किस मैकेनिज्म से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपनी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए अपन यहाँ देखते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे एग्जाम में मैकेनिज्म, ठीक है स्टूडेंट, मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो आपका डाई मिथाइल, डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्माइड है, वो रिएक्शन करेगा पी ओ सी एल थ्री से, ठीक है। पी ओ सी एल थ्री से करेगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बो कैटन जनरेट कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, कार्बो कैटाइन जनरेट करेंगे, और वो कार्बो कैटाइन जब होगा हमारा, कार्बो कैटाइन बन जाएगा,
तो वो इस पर जाके अटैक करेगा, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे, क्योंकि ये एरोमेटिक है और इस पर जाके करेगी, इलेक्ट्रो एरोमेटिक है तो ये क्या हो गई आपकी न्यूक्लियोफाइल हो गई, और वो किस पर जाके करेगी अटैक, इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो बोलेंगे उसे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि मतलब जैसे बात जैसे बताऊँ जैसे क्या है, ये यहाँ पे है पहले से, ठीक है, और ये आके चला गया तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने, इधर आ गया तो इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब एक दूसरे एक स्थान से पहले से कोई बंदा है वहाँ पे, पहले से कोई चीज़ है उसको हटा देना, ठीक है, और खुद जाके वहाँ पे लग जाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ मैकेनिज्म देखेंगे हम, देखो मैकेनिज्म देखिए आप, सबसे पहले ये और ये रिएक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, ये और ये क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी जनरली बोल सकते हैं, जैसे मान लो NaOAc ले सकते हैं, ठीक है, एक्वस एक्वस NaOAc, या क्या ले सकते हैं हम Na2CO, देख लेना ये रिएजेंट आपके जरूरी हैं, CO3 हैं H2O, ठीक है, ये कोई ले सकते हैं, और ये ठीक है, या ये वो क्या इसका क्या यूज है वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट स्टेप नंबर स्टेप वन देखते हैं अपन, ठीक है, स्टेप लिखेंगे स्टेप वन, ओके। तो देखो ये है वो इसमें जाके अटैक करेगा, वो कैसे करेगा भाई देखेंगे हम, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन, सही से लिखो अपन, देखो ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, PO Cl Cl, यही तो है आपका PO Cl3। अब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म देख रहे हैं, देखना ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो लॉन पेयर है, ठीक है, इसको साफ साफ लिखो ताकि, क्योंकि इस पे बच्चे जो हैं वो न्यू बच्चे जुड़े हुए हैं तो क्या है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, ऐसे लिखें हम, यहाँ भी कार्बन बनाओ बिल्कुल, देखो ये बॉन्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, ठीक है, बॉन्ड ऐसे अगर नहीं लगा रहे हैं हम तब भी समझ जाओ यहाँ पे क्या है, कार्बन था, ठीक है, देखो यहाँ लिखो MePH, ठीक है। तो देखो ये जो होंगे यहाँ पर लॉन पेयर होंगे, आप जानते हो नाइट्रोजन पर क्या होते हैं लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो इधर जाएंगे, ठीक है, और ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब इधर जाएगा, जैसे ही ये इधर जाएगा तो यहाँ पे एक कार नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है, समझते रहना आप, आपको ये स्टेप बढ़ाना है, ठीक है, ये इस पर जाके अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे जाके क्या करेगा, ऐसे अटैक करेगा, ठीक है, तभी क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से फिर, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है तो वो फिर वापस आएगा, तो वापस आएगा तो हम इसलिए ऐसे दो बार दिखा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्रुप का, चलो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, इस ग्रुप को जब पहली बार गया, देखो यहाँ पे समझो आप, ठीक है, जब ऐसे गया तो देखो एक तरफ ऐसे गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टेबलाइज का क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो होती है आपकी, ऑक्सीजन जो होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो वो चाहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास नेगेटिव चार्ज कर रखूँ, ठीक है, तो तभी क्या बनेगा, वो आपका ये बन जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये स्टेप को, ऐसे दिखा सकते हैं अपन, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, हाँ सही है, ये आपका इधर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है इससे, ये वाला, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी तो हमने इधर को गया तो ये बन गया, फिर हम जो फिर इधर से इधर को आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ग्रुप लीव हो जाएगा, ठीक है, तो देखो ये वाला फिर से पहले इधर गया तो हमने ऐसे कर दिया, फिर इधर आया तो हमने फिर ऐसे कर दिया और ये वाला लीव कर दिया, वो कोई सा भी कर सकते हो अपन, ठीक है, हाँ चलो बहुत अच्छा, अब देखिए आप क्या बनता है, एक Cl निकल गया यहाँ से, निकल गया जी, अब देखो क्या बना है आपका, PHNME, और देखो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया, ये बॉन्ड हो गया, ये किससे जुड़ गया, ये P से जुड़ गया भाई साहब, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया P, और ये
और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन ये है ये वाला, ठीक है। अब क्या निकल गया यहाँ से, एक क्लोरीन निकल गई। कौन सी क्लोरीन निकल गई? ये वाली क्लोरीन निकल गई। अब ये क्लोरीन क्या करेगी? ये क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैक करेगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और POCl2 हो जाएगा आपका। देखो कैसे बनेगा, मतलब यहाँ पे हम बताएं, ये वाली मैं इसकी रिएक्शन करा दे रहा हूँ। ये वाला क्लोरीन मैंने उठाया, क्लोराइड आयन, और वो यहाँ लगाएगा, ऐसे निकाल देंगे इसे, इस यहाँ तक ही चला जाएगा ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, मैं यहीं लिख दूँ इसे, जो ये जो बनेगा वो इस वो बनेगा आपका ये। चलो देखो क्या बनेगा, एक बार देख लीजिए। ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एक दो, यहाँ पे पहले इस बात तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, ठीक है, नाइट्रोजन के पास। यहाँ पे समझो, एक स्टेप बताना पड़ेगा मेरे को। देखो यहाँ पे देखो, ऐसे मैं तो उसको बात को रफ कर दूंगा। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, तभी देखो अब क्या होगा, ये वाला जो है बॉन्ड वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इधर शिफ्ट होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये कार्बोकैटायन आपका जनरेट हो गया। अब मैं इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्या है, दोनों एक ही वो फॉर्म है, चाहे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँ, ये वाला यहाँ लगा दूँ ऐसे करके, तो फिर से ये वाला यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो बस यही चीज़ दिखाया है मैंने यहाँ पे, आप भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को, बच्चे ने अच्छा पढ़ा है, ताकि वो सब कुछ कर पा रहा है, ठीक है, मतलब हर एक स्टेप के बारे में उसे जानकारी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसी को अब यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा स्टेप ले रहे हैं हम, स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो ये स्टेप 1 हो गया, इसको बोलेंगे हम स्टेप 1, अपने हिसाब से समझने के लिए हमने इसको दो स्टेप में बांट लिया है, अब स्टेप 2 करेंगे अपन, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा आपका, आपके पास जो एक्टिवेट रिंग है, एक्टिवेट रिंग से मतलब, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, हाँ बड़ा लिखेंगे। अब मैं इस वाले को रफ कर सकता हूँ, आपको इतना समझ गए होंगे, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इतना कर रहे हैं, स्टेप 2 का थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको समझ चुके हो अच्छे से। बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोई नहीं, इसी पे काम करेंगे, क्योंकि हमको आपको समझाना भी है। ये स्टेप 2 चल रहा है भाई साहब हमारा, क्या चल रहा है, स्टेप 2। यहाँ देखें आप, ये देखो यहाँ पे लॉन पेयर होंगे, और यहाँ ये वाला, ये वाली स्पीसीज में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा, देखो देखो आप ध्यान से, ये Cl हो गया आपका, ये H हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये एक मिथाइल हो गया, ये एक इसके साथ क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो होगा वो इधर जाएगा, और ये कहाँ जा, यहाँ पे कार्बोकैटायन पहले से ही है, ये वाला देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जाके इस पे जाके अटैक कर देगा, ठीक है। जब इस पर जाके अटैक करेगा, ठीक है, हाँ आगे आगे बढ़ो, चलो वैसे मेरे को इसको छोटा छोटा लिखना चाहिए, ताकि अभी बहुत जगह आएगी, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है ये, कोई नहीं, बट आप इसको एक बार समझ जाओ तो आसानी से आप इसे कर पाओगे। कॉपी पे ये ज़्यादा बीच में नहीं आएगी, वो यहाँ पे इसलिए आ रही है ताकि मुझे बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, आप समझ पाओ, ठीक है, इसलिए ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोकैटायन हो गया, तो ये आपको बन जाएगी इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, ताकि मुझे भी स्पेस मिलता रहे पूरा। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, आप जानते हो, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ
दो बॉन्ड बना सकती है, जब भी तीसरा बॉन्ड बनाएगी तो उसके जो लोन पेयर होंगे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये पहले से जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन होगा, हर बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन होगा। अगर वो बात अलग है कि वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हट गया हाइड्रोजन हटा के, तो वहाँ का हाइड्रोजन वो खुद आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ओ एम ई ग्रुप आके लग गया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अब देखो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया कार्बन, क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन है, ये एन एच पी एच एम ई, और ये इधर जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा भाई साहब? चलो यहीं लिख देते हैं, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा लो। चलो रिएक्शन थोड़ी बड़ी थी इसलिए थोड़ा इसमें है, ये देखो इधर चला गया, चला गया। क्या बन गया आपका? सी एल एच एन पी एच एम ई। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है इसका बर्कअप कर देंगे। बर्कअप क्या है? देखो, या तो आपके पास ये दिया गया होगा एन ए टू सी ओ थ्री, या क्या दिया होगा एन ए ओ ए सी एक्वस। तो क्या करेंगे जब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, एन ए ओ ए सी या एन ए टू सी ओ थ्री एच टू ओ एक्वस। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप होगा आपका इतना वो हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा और वो फॉर्माइड हैल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, बस यहीं देखिए, देखिएगा आप, ये आपका लास्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड। फॉर्माइलेशन हो गया कहाँ पर? फॉर्माइलेशन हो गया आपका ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको बन गया है, मिल गया है। एक और मिल सकता था, वो क्या था आपका? पैरा पोजीशन, वो हमने देख लिया, वो क्या था हमारा? माइनर प्रोडक्ट था, और ये क्या है हमारा? मेजर प्रोडक्ट। तो हमको जानते हैं कि रिएक्शन में हमेशा ज़रूरत किसकी होती है, हमें ज़रूरत उसी की होती है जहाँ मेजर प्रोडक्ट बनने होगा। हम उसी रास्ते से जाएंगे, उसी को हम प्रेफर करेंगे, ताकि हम मतलब ये बनता है भाई कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिले, और वो क्या होगा? वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मैं इसके लिए क्या है यहाँ पर तीन एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, आप बोल करिएगा। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे, कुछ हेट्रोसाइक्लिक से लिए हैं, ये क्या थी हमारी फिनाइल फिनोलिक ईथर थी, और एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एमीन का देख लेते हैं अपन, सब कुछ सेम वही है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, ये मैं लिख मिटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये लिख ही रहने रहे, इसके एग्जाम्पल में करके देखना आप। ओके, अभी देखें आप, ये क्या है आपका मेजर और ये आपका माइनर, आप ये बात ध्यान रख में रखें, माइनर। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा आप। ठीक है, भैया आपका लगा दो इस पे, आर आर लगा देंगे हम, आर हैं, चलो आर लगाओ, आर लगाओ, यहाँ भी आर लगा दो कोई, और फिर क्या आपका पी ओ सी एल थ्री है। ठीक है, और क्या दे दिया, कोई एन ए टू सी ओ थ्री ले लो हैं, और एच टू एन ए टू सी ओ थ्री हो गया आपके पास, एच टू हो गया बर्कअप के लिए। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देख लो आप एक बार जल्दी से। वो बात सही, वो बात कुछ ही है, चाहे यहाँ लगाइए एक लगाइए, बात तो पोजीशन ही है। और दूसरी क्या है रिएक्शन, हाँ दूसरी रिएक्शन और देख लो आप, मैं यहाँ पे चार रिएक्शन बताऊँगा आपके लिए। तीसरी रिएक्शन देख लो, तीसरी रिएक्शन में हमने क्या लिखा था, डाई सब्स्टिट्यूटेड बोले तो डाई एल्काइल एमीन। ठीक है, डाई एल्काइल एमीन लिख दो, तो इसकी जगह सेम अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक और लिख सकता हूँ, वो क्या है देखो, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमीन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो आप, थोड़ी जगह चाहिए।
CH3, ठीक है, देख रहे हो आप, ये हो गई वेस्ट कंडीशन भाई। है क्या कंडीशन है? डबल आर लगा दो, आर की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। आर आर टू हो गया, एन एच, ठीक है, लगा दो, ऐसे लगाओ आपको आसानी होगी। एन, ठीक है, यहाँ पे मान लो मिथाइल ले लिया इस बार, चलो हमने दोनों मिथाइल ले लिए, ठीक है। और क्या ले लिया हमने यहाँ पे? फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और क्या ले लिया? वही पी ओ सी एल थ्री ले लिया, और क्या ले लिया अपना? वही ले लिया एन ए ओ ए सी, ठीक है, और क्या ले लिया? एक्वस तो है ही हमारे पास, या क्या ले सकते हैं हम? ये सोडियम ले सकते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका? ये पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ आपके लिए, आप क्या करें मैकेनिक खुद करके देखिएगा, ठीक है। एम एच थ्री है, सही है, ये भी ठीक है, लो जी ये भी ठीक है। एक प्रोडक्ट और देख लीजिए आप, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से हम वो भी उठा लाए हैं। हेट्रोसाइक्लिक का एक ये हो गया, एक और लिख रहा हूँ मैं, फोर, देखो ये ना प्रोडक्ट एग्जाम्पल यही है ना, या ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अब मैं बार बार नहीं लिख रहा कुछ भी, पी ओ सी एल थ्री आपका है ही, ठीक है। आर टू लिख देंगे, आर वन, मतलब कोई डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा। आप इस यहाँ पे लगा के कुछ भी लगा सकते हो अपन, ठीक है। फिर क्या करेंगे? पी ओ सी एल थ्री होगा, और क्या लगा सकते हो आप? यही अपना एन ई टू सी ओ थ्री, एन ई टू सी ओ थ्री आपका रहेगा बेस के तौर पे, ताकि इस वाले वो हमने देखा था उस ग्रुप को हटा सके, ठीक है। तो देख लो आप, इसको लगा दो यहाँ पे, इस पे लगा दो आप सी एच ओ, इस वाले ग्रुप पे आप सी एच ओ लगा दो सही से, थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने इसमें घुसेड़ दिया है, ठीक है। हाँ ये तो रह ही रहा जी, ठीक है। तो आपके लिए फोर एग्जांपल हो गए, आप ये करिए आप तब तक, और क्या करेंगे अगर हम आप इतना लिख पा रहे हो एग्जाम में तो ये भी काफ़ी है, सुटेबल है ये आपके लिए। एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा आपका वो फुल में फुल नंबर दे देगा, क्योंकि इसमें कोई आपने गलती नहीं करी है, ठीक है। गलती होने के चांस ही नहीं है। आपको याद ही क्या करना है? एक्टिवेट रिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ एक बार फिर से आपके लिए, इसमें क्या याद करना है? इसमें याद करना है कि एक्टिवेट रिंग होनी चाहिए, ठीक है, और डाइफॉर्माइड हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूट फॉर्माइड होना चाहिए, ठीक है। पी ओ सी एल थ्री होना चाहिए, हम जानते हैं कि बाद के लिए जब हम वर्कअप करेंगे तो ये हो जाएगा। और हमारे पास जब हम क्या लेंगे? फिनोलिक ईथर लेंगे, एक्टिवेट रिंग लेंगे, एक्टिवेट रिंग में क्या ले रहे हैं? डाई सब्स्टिट्यूट एनिलीन ले रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ले रहे हैं, डाई एल्काइल, और क्या ले रहे हैं? फिनोलिक ईथर ले रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास? फिनोलिक ईथर लेंगे तो दो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक एल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा वो हमारा वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा एज ए कम्पेयर टू द पैरा प्रोडक्ट। और डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब बोले तो ये वाला आपका बनेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड एमीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमीन जो होगी वो क्या बन जाएगी आपकी? एनिलीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगी, वो बन जाएगी आपकी पैरा पोजीशन पर, फॉर्माइलेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में देखा हमने कि फॉर्माइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।